जी बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की मीटिंग है और सरकार के गठन के बाद सत्र के पहले की ये पहली मीटिंग है जो कि आज शाम होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज विधायक दल की मीटिंग होने वाली है शाम 5 बजे, अहम क्योंकि वैसे तो हर सत्र से पहले विधायक दल की मीटिंग होती है, लेकिन अहम इसलिए है क्योंकि विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन भी आज मीटिंग में होना है। जी, निश्चित तौर पर चयन तो विधिवत रूप से विधानसभा के अंदर होगा और मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि अभी तक स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं है और तय कर लिया जाएगा। और उसके बाद में कल जो है वो विधिवत रूप से स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। पहले ओथ होएगी और ओथ होने के बाद में स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर फिर चेयर पर बैठकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने का काम करेंगे। बिल्कुल, शपथ लेने के बाद तो ये पहली ही विधायक दल की मीटिंग इसे कहा जा सकता है। फिलहाल इस सेशन में कोई बिल्स वगैरह तो आने नहीं है, सिर्फ ओथ ही होनी है। और क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि आज की इस मीटिंग में एजेंडा रह सकता है? आज का एजेंडा तो देखिए, वैसे तो मीटिंग के बाद तय होता है, लेकिन आज का एजेंडा और कोई विशेष नहीं, क्योंकि ओथ होनी है। ओथ होने के बाद में स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, फिर बाद में जब भी सेशन अगला बुलाया जाएगा बीएसई की मीटिंग के अंदर जो है वो फिर तय होता है भी कितने दिन का सेशन रहेगा, क्या रहेगा। वो टेंटेटिव मैं समझता हूँ कि दिवाली के बाद के सेशन जो रहेंगे और उसके बाद में फिर रूटीन के बिल भी, बिजनेस भी सारा जो है वो होगा। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री बन गए हैं, सदन का नेता बन गया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बन जाएंगे, लेकिन कल का जो सत्र है वो शायद बिना सीएलपी के ही चले। तो वैसे आप भी पूर्व में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, क्या ऐसा रह सकता है सत्र बिना सीएलपी के रह सकता है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो कल सीएलपी की कोई इतनी महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं है। देखिए, वो तो उनका काम है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग किसको चुनते हैं, किसको नहीं चुनते हैं, कांग्रेस पार्टी असल में अलग अलग पार्टी नहीं बल्कि मैं कहूँगा अलग अलग गुट है और उनकी गुटों के अंदर सहमति नहीं हो पाती। मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे जो पुरानी पार्टी है, जो जिसने इस देश के ऊपर और प्रदेश के अंदर भी लगभग काफ़ी लंबे समय तक राज किया और उसकी आज हालत यह है कि तीसरी बार भी सत्ता से बाहर है और उनके अभी तक कोई लीडर नहीं चुने जा रहे, विपक्ष के नेता नहीं चुने जा रहा, तो आने वाले दिनों के अंदर और जो ये गर्त में जाएगी और बिखराव की तरफ जो है ये पार्टी जाएगी। सीएलपी पर जो प्रश्न चिन्ह बना लगा हुआ है, जिस तरह की आप भी कह रहे हैं, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है और इसीलिए हाईकमान भी कहीं ना कहीं कश्मकश में फंसा हुआ है, कोई एक निष्कर्ष एक फैसले पर नहीं पहुँच पा रहा? देखिए, वो ऐसे तो उनका अंदरूनी मामला है, ये मेरा कोई बोलना इस पे बनता नहीं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस अलग अलग गुटों के अंदर बटी हुई है। कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं, पार्टी तो एक होती है जिसमें भी जिसका भी नाम रख दें बाकी उसे सहमति बनती है, लेकिन वो अलग अलग गुट है इसलिए उनका एक दूसरे का समय में वो विरोध करने का काम जो करते हैं। वहीं सर, कल आप दिल्ली में भी थे, एक अहम मीटिंग भी थी, मुझे लगता है आपके मंत्री पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यभार संभालने के बाद एक पहली बड़ी मीटिंग जो केंद्रीय स्तर पर भी हुई है, क्या कुछ हरियाणा को लेकर डिस्कशंस हुई है, कितनी फ्रूटफुल जो है ये मीटिंग हरियाणा के लिए आगामी समय में रहने वाली? बहुत अच्छी मीटिंग ये रही है और माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ माननीय सीएम साहब और मैं गए थे और वहाँ जो तमाम जो हमने जो 12 बिंदु थे उन पे बातचीत करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय नितिन गडकरी जी का, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है। आज हरियाणा प्रदेश का वैसे हर जिला हाईवे से जुड़ा हुआ है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हाईवे ना हो, और जो कुछ एक जो और जो ज़रूरत है उनकी बात भी हमने रखी और उनको तुरंत मानने का काम, उनकी सहमति देने का काम हमारे केंद्रीय मंत्री ने किया है, उसकी डीपीआर बनाने के भी आदेश दे दिए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर और लाभ जो है वो हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। 12 बिंदु में से कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर सबसे पहले जो है काम प्रारंभ किया जाएगा और सबसे बड़ा जिनसे बेनिफिट जो है मिलना हरियाणा को मिलने वाला? सारे बिंदु अहम थे और जिसमें कुरुक्षेत्र शाह का हाईवे की बात हो, चाहे जो नेशनल मंडेला रोड है वहाँ पे जो गुड़गांव के अंदर
वहाँ जाम लगने की बात हो, उस वहाँ अंडरपास या ओवरब्रिज की जो भी DPR बनेगी वो बना करके उस जाम से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इसी तरीके से चाहे वो खेड़की दौला की जो टोल है उसका भी काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा था। एक मोना गांव के अंदर भी जो है लोग कई दिनों से इस बात का वो बैठे हुए थे, आंदोलनरत भी थे, संघर्षरत भी थे कि यहाँ से कनेक्टिविटी हो मोना गांव से, वो भी उसमें सहमति जताने का काम किया है। तो इस तरीके से अनेक ऐसे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की भी बात जो है रखी गई थी, तमाम उन मुद्दों पे सहमति देने का काम किया है। इसके साथ साथ मैंने एजेंडे के अंदर एक और शामिल करते हुए हमने जो हिसार का, क्योंकि जो चंडीगढ़ जाते हैं वो राजगढ़ रोड तक तो ऑलरेडी बना हुआ है और आधा अभी तक बना नहीं, वो रिंग रोड की बात भी उनके सामने रखी, तो उस पर भी सहमति देने का काम किया है। जी बिल्कुल गंगवा जी, अब तक क्या आपने अधिकारियों से, तो आपने मुलाकात की ही है, क्या मीटिंग हुई है, क्या फिलहाल आपने फिलहाल कोई स्टेटस रिपोर्ट अब तक मांगी है कि फिलहाल क्या स्थिति है, उन स्थितियों में किस तरह से सुधार करना है, क्या इसको लेकर कोई मंथन फिलहाल अब तक डिपार्टमेंट में हुआ है, प्रारंभिक मीटिंग्स में क्या कुछ चर्चाएं? देखिए अभी तो केवल फॉर्मल तरीके से जो है ऑफिसर्स आकर के मीटिंग करके गए हैं, मिल करके गए हैं। हमने सबसे पहले इस बात के आदेश दे दिए हैं कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हमने अपने डिपार्टमेंट की छवि सुधारने का काम करना है, जीरो टॉलरेंस पे बात करना है, काम करना है, और हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया जो है वो होनी चाहिए, जो चाहे सड़कें बनाने, नई सड़कें बनाने की बात हो, चाहे रिपेयर करने की बात हो, इसी तरीके से पीने के पानी के लिए भी और जो सीवरेज की व्यवस्था है वो दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है, और इस सेशन के बाद में तमाम अधिकारियों को बुला करके मीटिंग करके और उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक नए जो प्रोजेक्ट बना करके एक समयबद्ध तरीके से तमाम कार्य हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ PWD मिनिस्टर रणबीर गंगवा, जिन्होंने आगामी रोड मैप क्या है हरियाणा को लेकर, मीटिंग में क्या कुछ बिंदु रहे, इन तमाम विषयों पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बातचीत की और जानकारी साझा की। कैमरामैन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।